जहर उसके खाने में नहीं सवेरा के लाए हुए प्याले में था। क्या बीजान एक टेबल पर बैठकर मेरे साथ खाना खाना पसंद नहीं करती और मैं उनसे तुम्हारी शादी की बात करूं? हाँ तो माफी मांग ले आप उनसे, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? मैं तो तुम्हें उसी दिन मार देती जिस दिन बीजान तुम्हें बचा के अपने कमरे में ले गई थी। अम्मी तूबा, जब से पैदा हुई हो ना तुम हमारे लिए आजमाइश बन चुकी हो और आज तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे लिए आजमाइश बन गई है।